नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो फी न्यूज में। दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बता दें, उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोस्तों, मोदी सरकार किसानों को दे रही है बड़ा तोहफा, अब 14 दिन में मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे एससीओ सम्मेलन, चीन ने छेड़ी पाकिस्तान की चर्चा, मोदी बोले बातचीत का माहौल नहीं, आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, उसके अगले भाग में हम जानेंगे ममता बनर्जी का विपक्ष पर बड़ा हमला, डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर के अब कह दी यह बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे आजादी की इस 75 सालगिरह पर अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेज देगा भारत। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी खबरें हम आप तक हमेशा पहुंचा सके। दोस्तों, आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से, उससे पहले दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। दोस्तों, किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान का मुद्दा प्रमुख रहा है। पाकिस्तान को लेकर के हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, पाकिस्तान बातचीत के बीच उपयुक्त माहौल बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने रिश्ते को सामान्य बनाने का काफी प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बिगड़ गई है, इसीलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वह बातचीत के लिए आतंकवाद मुक्त माहौल बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर के अत्यंत सार्थक बताया है। उन्होंने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम को गति मिलेगी, उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के सुधार के लिए मिलकर के काम करने का संकल्प भी लिया है। पिछले महीने लोकसभा चुनाव में जीत के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा चुने जाने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। इससे एक महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1268 अल कायदा प्रतिबंधित समिति के पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया था। चीन ने उसे प्रतिबंध करने के पर प्रभाव लगाई थी, अपनी तकनीकी पर भी वो रोक लगाई थी, जिसके बाद उसे हटा दिया गया था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रतिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अत्यंत फलदायी मुलाकात रही है, हमारी बातचीत में भारत और चीन संबंध पूरे विस्तार से शामिल थे, हम पहले बातचीत और सांस्कृतिक संबंधों को सुधार के लिए काम करेंगे। बैठक के शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी चुनावी विजय के लिए भी बधाई दी। जी हाँ दोस्तों, खबरों को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी का विपक्ष पर बड़ा हमला, डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर के कह दी यह बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विपक्ष दलों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को कथित तौर पर कह दी और धमकी पर हमला बोलते हुए कह दिया, अगर वे इससे नहीं निपट सकते तो उन्हें बतौर स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार ने कहा है कि मुख्यमंत्री समस्या को हल करने के बजाय उन्हें और आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री ने हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों को कहा था कि वे काम पर लौट आए, उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि यह हड़ताल भाजपा और माकपा के सदस्य का हिस्सा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने दोपहर 2 बजे तक काम पर लौटने के ममता बनर्जी के निर्देश को नहीं माना और कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा संबंधित मांग पूरी होने पर आंदोलन जारी रहेगा। कोलकाता में एनआरएच मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 2 सहकर्मियों को हमले के बाद से डॉक्टर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि अमित शाह बोले शिखर पर पहुंचा बाकी केरल और पश्चिम बंगाल और अगला पड़ाव। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया है कि भले ही पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, लेकिन अभी शिखर पर पहुंचना अभी बाकी है। उन्होंने पार्टी नेताओं के संबंध में एक नए क्षेत्र में विस्तार करने और नए लोगों को पार्टी में जोड़ने के लिए भी कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्य के संगठन के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए अमित शाह ने कहा है कि केरल और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में सरकार बनाने पर पार्टी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया है कि शाह के पार्टी के सदस्य अभियान को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जल्द ही अभियान की शुरुआत की जाएगी और लक्ष्य सदस्य की प्रतिशत 20% की वृद्धि की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बता दें कि गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारतीय मार्केट को ध्यान में रखकर के गूगल ने बनाए हैं नए प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, गूगल के मुख्य कर्मचारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारतीय बाजार की विशालकाय ने उनकी कंपनी को इसी देश के कुछ नए उत्पादों का विकास करने का मौका दिया है और फिर से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाया गया है। पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। पिचाई यहाँ अमेरिका भारत व्यापार
परिषद द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि निजता के मुद्दों को लेकर के भारत और अमेरिका एक मानक नियम बनाने के अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें निजी सूचनाओं को सुरक्षा के साथ मुख्य डिजिटल व्यापार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अवसर पर ग्लोबल लीडरशिप यानी वैश्विक नेतृत्व सम्मान दिया गया है। सुंदर पिचाई ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक हालातों और शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए दिशा में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी को इसका एक अभिन्न अंग बताया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि आजादी के 75 साल गिरा पर अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है कि भारत 2022 में अपना पहला मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2022 में भारत की 75वीं सालगिरह के अवसर पर इसरो ने अपने पहले मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का संकल्प कर लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मिशन की तैयारी योजना की निगरानी के लिए एक विशेष सेल गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सीमा क्षेत्र में घुसपैठियों की जांच करने के लिए हमने उपग्रह के माध्यम से कंप्यूटरीकृत निगरानी सुरक्षा की है, जिसकी प्रोसेसिंग ऐसी है कि अलार्म के माध्यम से सुरक्षा बलों को सतर्क किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं इसरो के प्रमुख के सिवा ने कहा है कि भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान विस्तार का माध्यम होगा। के सिवा ने कहा है कि हमें मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा और इसे संदर्भ में भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना बना रहा है। उन्होंने घोषणा किया है कि चंद्रमा की सतह पर खनिजों के अध्ययन और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए भारत के दूसरे चंद्र अभियान यानी चंद्रयान 2 को 15 जुलाई में रवाना किया जाएगा। के सिवा ने बताया है कि यह समुद्र की दक्षिणी ध्रुव के पास 6 या 7 सितम्बर को उतरेगा और चंद्रमा के इस हिस्से के बारे में अभी तक जानकारी नहीं हासिल है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 15 जुलाई को तड़के 2:51 पर होगा और GSLV मार्क 3 रॉकेट इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, अब 14 दिन में मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की अर्जी देने के 14 दिन के भीतर ही किसानों को कार्ड मिलेगा। सरकार ने बैंकों को योग्य किसान के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन मिलने के 2 हफ्ते के भीतर ही किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जारी करने का निर्देश दे दिया है। इस समय 6.95 करोड़ KCC चल रहे हैं। इसके तहत फसलों को लोन सब्सिडी ब्याज दर कर दिए जाते हैं। KCC का विस्तार पशुपालन और मत्स्य गतिविधियों में शामिल किसानों के लिए भी किया गया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के अधिकतम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बताए हैं कि अभी अभी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिसके पास संख्यात्मक ऋण पहुंच नहीं पाए हैं, उन्हें KCC जारी ही नहीं किया गया है और पहले जारी किए गए KCC जो कि डिफॉल्ट था या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अलावा विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फॉर्म उनको भरा गया था वो डिलीट हो गया है या फिर वो खत्म हो गया है। सरकार ने इसके लिए KCC तहत वित्तीय संशोधन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए किसानों को संतृप्त करने का एक अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि केसीसी से प्राप्त कर्ज सब्सिडी वाली ब्याज दरों के योग्य होंगे, इसीलिए आवेदकों के आधार कार्ड नंबर का भी विवरण दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कम ब्याज पर आपको मिल जाएंगे लोन। एग्रीकल्चर लोन का 9% ही ब्याज दर लगती है, लेकिन सरकार किसानों को 9% प्रति वर्ष प्रभावित दर पर 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म फॉर्म लोन प्राप्त करने के लिए 2% ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है। किसानों को नियत तारीख से भीतर लोन के रिपेमेंट के लिए 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा निर्देशों में कहा गया है कि केसीसी के लिए एप्लीकेशन इकट्ठा करने के लिए बैंक को गांव में शिविर लगा रही है। केसीसी को उस शाखा से समयबद्ध तरीके से जारी करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां से किसानों का पहले से ही खाता है। यदि पात्र किसान का कोई बैंक खाता नहीं है तो उसे ब्लॉक के भीतर अपनी पसंद की किसी भी नजदीकी खाते में जाकर के वो खुलवा सकते हैं।
और केसीसी के फॉर्म के द्वारा वे लोन ले सकते हैं। तीन तलाक से लेकर के कश्मीर तक मोदी सरकार की महाबैठक में हो सकते हैं 10 अहम फैसले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ महाबैठक करेंगे। महाबैठक इसीलिए क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ मंत्रिपरिषद यानी राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के सभी साथी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक को लेकर के एजेंडा भी तैयार किया गया है जिसमें से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और जम्मू कश्मीर में आरक्षण से जुड़े अध्यादेश पर मुहर लगाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस मीटिंग में सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा जाएगा कि सभी जूनियर्स को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि उन्हें भी परफॉर्म करने का भी अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने हर किसी से यह तैयारी करने को कहा है। कैबिनेट के 10 बिलों को हम आपको बता दें कि एक बार फिर से मंजूरी मिल सकती